और इधर मम्मी ब्रेकफास्ट कर रही है, डाइट में है का मम्मी, पूरा पपीता उपीता खा रही है। क्या हो गया बाबू? क्या को कहाँ खून है? और आज सैंडी को नहलाएंगे सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गंद मार रहा है उसका रूम भी और सैंडी भी, क्योंकि इसका कान में इन्फेक्शन हो गया। तो ओके जी दोस्तों, यहाँ खूट दिए सैंडी को और मस्त बैठ गया है, इसका भिंगाते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है दोस्तों। ट्रीटमेंट हो रहा सैंडी तेरा घाव? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है और एक नए ब्लॉग में। तो जस्ट सुबह उठ के एडिट करने बैठ गए थे गाइस, तो फाइनली एडिट हो चुका है। और जो आज का ब्लॉग एडिट किया हूँ बहुत लंबा था, थोड़ा इसलिए टाइम लग गया, और अपलोड में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि डुमरी का नेटवर्क वैसे भी खत्म है। चलिए अपलोड में डाल दिए, हो रहा है। और इधर देख सकते हैं निकिता मैडम इधर रेडी हो चुकी है, पूरा ठंडारी में, पूरा ठंडा वेदर, पूरा ठंडा है गाइस, लेकिन ये देख रहे हैं पूरा सुबह सुबह रेडी। और इधर मम्मी ब्रेकफास्ट कर रही है, डाइट में है का मम्मी, पूरा पपीता उपीता खा रही है। इसमें विटामिन ए मिलता है। अच्छा, हमको लगा डाइटिंग कर रही है। आँख के लिए बहुत अच्छा है। और इधर अमन छोटू लोग का एग्जाम खत्म, तो आया है घूमने के लिए जॉर्जी के पास। उधर जॉर्जी खनी नौटंकी करता है घर में। और उधर ब्लॉग चल रहा है गाइस सौरभ जोशी का। क्या हो गया बाबू? क्या को कहाँ खून है? अरे पैर फंस गया, निकालो निकालो निकालो, तुम निकालो खुद से, नहीं करो वैसे छोटू, नहीं करो, नहीं हिलाओ, निकालो निकालो पैर निकालो, पगला गया जोर्जी। तो कल बारिश हुआ था गैस, तो उसका क्लिप है, थोड़ा सा गौर फरमाइए इसमें भी। छोटू एग्जाम कैसे दिया तुम? कौन सा रैंक लाएगा? कौन सा रैंक आएगा? थर्ड। अरे यार पहले आया हो गया, मिस बताई अपनी मम्मी। सही में पहले तुमको जानकारी हो जाता है छोटू, मिस लोगों पटा के रखा है पूरा। तो कैसे तुम जान गया पहले? रिजल्ट तो मिला नहीं। मेरा रिजल्ट देखी थी तो। तेरी मम्मी क्या है, कैसे जानी तेरी मम्मी? अरे हाँ तेरी मम्मी तो प्रिंसिपल है स्कूल की, इसलिए पता चल गया। और अमन, अमन का क्या है? नहीं पता। अमन का नहीं पता, अमन का नहीं देखे थे। अच्छा नहीं देखी नहीं है उसकी, मतलब मिस बताई अपनी मैम को। मतलब तुम थर्ड आ गया, तो अभी मैं लड्डू उड्डू खिला दो, निपटा दो अभी। खिलाओ छोटू, और टीथ, तेरा टीथ दिखाओ, छी टूट गया है। तो फिलहाल जी दोस्तों अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है चावल दाल आलू और बैगन की सब्जी और भाजी साग। तो फाइनली दोस्तों ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, और आज सैंडी को नहलाएंगे सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद मार रहा है उसका रूम भी और सैंडी भी, क्योंकि इसका कान में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसी के चक्कर में। तो चलिए फटफट नहलाते हैं, क्योंकि आज भी बादल बादल कर रहा है, पता नहीं बारिश आ जाएगा क्या करेगा। और इधर पपाया का पौधा को तोड़ा जा रहा है गाइस, क्योंकि बूढ़ा गया, अब इसमें फल नहीं रहा है, बस नाम के लिए पौधा रह गया है। चलो खाली तो हुआ कम से कम यहाँ फूल लगाने के लिए। और तुम क्या पानी खेल रहा है जॉर्जी, पानी वेस्ट नहीं करो। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ सैंडी को खुट दिए हैं, अभी मस्त धूप कर रहे, तो थोड़ा सा धूप तापेगा तो उसको ठंडा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे खुट दिए हैं। और देखिए कान झूल गया है ना, तो इसी में इन्फेक्शन हो गया दोनों में, तो उसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा गंध मार रहा है। चलिए नहलाते हैं मस्त एकदम फ्रेश। जॉर्जी लग जाएगा, तुम भी पूरा लग गया है काम में, अच्छे से कटिंग करो, वहाँ से नहीं कटिंग करते हैं आगे से। अरे वैसे नहीं बाबू, ऐसे खा रहे बाबू, काट लिया उधर डाली, ऐसे देखो ऐसे काटते ना, ऐसे 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 काटते, ऐसे ऐसे लो काटो। हाँ चलो नहलाने सैंडी को, हम लेकर आ रहे हैं ना, कितना कितना सिंपल लेकर आइए, उतना में भी नहीं होगा, कहे कि ढेर दिन से नहीं नहाया है। तो ओके जी दोस्तों, यहाँ खूट दिए हैं सैंडी को और मस्त बैठ गया है, उसका भिंगाते हैं आराम से सैंडी। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है दोस्तों, अभी कान में इन्फेक्शन बोले, तभी चेक किया तो कीड़ा हो गया, बहुत गंदा टाइप का, बहुत ज़्यादा कीड़ा हो गया, तभी मम्मी दवा लाने भेजी है राहुल को, लाएगा उसके बाद अभी साफ करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे जितना हो सकता है, और एंटीबायोटिक तो देना पड़ेगा। अब हम लोग ध्यान नहीं दिए बीच में भी, बारिश बारिश के चक्कर में फिर से पूरा वो हो गया, पक गया। तो फाइनली दोस्तों दवा आ चुका है, अभी इसको डालना है। किधर लाएंगे, इधर लेकर आएंगे, गीला है ना वो सैंडी, गीला है तो क्या होगा। तो चलो सैंडी बैठो 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 जल्दी बैठो। ट्रीटमेंट हो रहा सैंडी तेरा घाव?
आदि के ट्रेन में लग गए। टेढ़ा कौन बनाता है? हरियो और लगाओ ना, बोलता रहे करो करो। हरियो माँ तो दे सकते हैं दोस्तों, सैंडी मस्त सो के अपना ट्रीटमेंट करा रहा है मम्मी से और पूरा कीड़ा निकल रहा है उसका कान से। दोस्तों इधर देखिए बहुत सारा तो लगभग हम लोग का आधा घंटा 45 मिनट हो गया गाइस साफ करते करते, लेकिन अभी तक कीड़ा खत्म नहीं हो रहा है। बहुत निकला लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, लेकिन शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा मिल रहा था। देखिए खुद से करने दे रहा है अभी साफ, थोड़ा आराम लग रहा होगा आज इसको। और इधर दो नौटंकियों को देखिए क्या कर रहे हैं। ए क्या बनाया है? स्विमिंग पूल बनाया है। तो एक कान का ड्रेसिंग हो चुका है दोस्तों, वो कान को भी चेक कर लेते हैं। इधर का तो हो गया है लेकिन उधर का पता नहीं है, लेकिन मम्मी तो बोली उधर नहीं है, इधर ही ज़्यादा दिख रहा था। और फिलहाल अभी ये वाला स्प्रे मार दिए हैं घाव में और जो कीड़ा नहीं होने देगा ये वाला, और अगर होगा तो और है और निकल रहा है। ओ भाई साहब और निकल रहा है गाइस। तो फाइनली दोस्तों ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, दूसरा कान में कुछ भी नहीं था लेकिन साफ कर दिए। और ये दोनों जो दिख रहे हैं ना मग और वो कटोरा, दोनों में बस कीड़ा है दोस्तों। छोटो तुम टी शर्ट कैसे पहना है? पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, अपना पीछे देखो, तुम देखो, देखो अच्छे से, कैसे अच्छा से देखो, ऐसे करके देखो, दिखा आईना में जाके देखेगा। तो सैंडी को यहाँ खुद दिए हैं गाइस, और उधर सैंडी का घर अभी साफ सफाई चल रहा है, मम्मी साफ कर रही है पूरा, देख सकते हैं। तो नहाएंगे सोचे थे गाइस लेकिन नहीं नहाएंगे, क्योंकि दो चार दिन से पूरा बारिश ही बारिश हो रहा है और वेदर पूरा ठंडा ठंडा होसा हो गया, पूरा चिल चिल, तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो बस धोएंगे मजाएंगे फिर कपड़ा बस चेंज करेंगे। फाइनली दोस्तों मस्त धोवा के फ्रेश हो चुके हैं, फिलहाल नींद लग रहा है, लेकिन जॉर्जी भी अभी सो के उठा है। क्या हो गया बाबू? अच्छा सुसु लग रहा है, अच्छा ठीक ठीक। और अपने पास एक टर्टल था गाइस जो कि खो चुका था, वो फाइनली मिल चुका है, घर में ही था, घूम रहा था घर में, ये रहा यहाँ पे है, देख सकते हैं ये रहा गाइस। ये तो समुन्द्र में मिलता है जॉर्जी, किसको इसको वीडियो बना देंगे, ये समुन्द्र में मिलता है बाबू। ये किचन घर, ये किचन रूम में था दोस्तों, जहाँ हम लोग आलू रखते हैं उसमें था, छिपा था, आलू टाइप का दिख रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ गया, फाइनली मिल चुका है। ओके जी दोस्तों फिलहाल पहुँच गए हैं मौसी घर घूमने के लिए, बस घर में बोरिंग बोरिंग सा लग रहा था तो चाचा गया था चौक, तो साथ में आ गए हैं घूमने के लिए। और ये देखिए हम लोग लहसुन बारिश में और खिला खिला सा हो गया, हरा हरा पूरा, बाकी तो सूख गया था, उसको उखाड़ दिए थे, देख सकते हैं ये रहा, इसको भी उखाड़ना है, बस अभी नहीं सूखा इसलिए नहीं उखाड़ रहे हैं। तो फिलहाल जी दोस्तों चाचा अंदर कर रहे हैं अपना बैल हीरा मोती को, और हम लोग चले यहाँ से अब घर, क्योंकि मम्मी फ़ोन की थी, बोल रही कि बतख बनाना है, आज भी बतख बनेगा हम लोग का घर में, तो जा रहे हैं वहीं बतख उतख बनाने, आज डिनर में बतख रहेगा। तो चाचा अंदर कर रहे हैं बैल अपना हीरा मोती को, उसके बाद चलेंगे, चाचा भी चलेगा।